नमस्कार विद्यार्थियों कैसे हैं आप आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस जाट पर स्वागत है विद्यार्थियों आज की जो मैं क्लास है प्रयास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा चार एवं पाँच के अंतर्गत सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण हेतु सीखने का स्तर तीन व चार इसमें हमारा कार्यपत्रक दो आज की क्लास में हम कार्यपत्रक दो हल करेंगे जो पेज नंबर नब्बे पर है आइए शुरू करते हैं कार्यपत्रक दो इसमें दक्षताएँ संख्या रेखा पर दो अंक संख्याओं को प्रदर्शित कर सकें विद्यार्थियों हम संख्या रेखा पर दो अंक संख्याओं को प्रदर्शित करना सीखेंगे समझेंगे अभ्यास करेंगे विद्यार्थियों पहला सवाल है दिए गए सवालों के जवाब ढूंढें और लिखें जो सवाल दे रखे हैं उनके हमें सवाल के जवाब ढूंढने हैं और लिखने हैं नोट एक बार में मछली दस संख्या की ही छलांग लगा सकती है तो देखिए मछली एक बार में कितनी दस जो दस संख्याएं हैं, उनकी छलांग लगाएगी दस अगली बार में दस 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 की वो मछली छलांग लगा सकती है मछली द्वारा मारी गई पहली छलांग पर कौन सी संख्या होगी विद्यार्थियों यहाँ यह मछली है पहली छलांग पे कौन सी संख्या होगी दस तो यहाँ होगी हम लिखेंगे यहाँ दस पहली छलांग पे कौन सी संख्या होगी दस क अगर मछली बीस संख्या पर है तो साठ तक पहुंचने के लिए उसे दस दस संख्या की कितनी और छलांग कितनी छलांग और लगानी पड़ेगी तो विधार्थी वह बीस पर है यानी वो मछली यहां पर है अब उसे साठ तक पहुंचना है यानी यहां पहुंचना है तो उसे दस दस संख्या की कितनी छलांग और लगानी पड़ेगी तो इधर तो देखिए एक दो तीन चार कितनी छलांग लगानी पड़ेगी उसे चार तो हम यहां लिखेंगे चार ठीक है विद्यार्थियों यह था पहला सवाल चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगला जो सवाल है दूसरा नीचे दी गई संख्या रेखा पर बने डिब्बे में कौन सी संख्या आएगी ये जो डिब्बे बना रखे हैं इसमें कौन सी संख्या आएगी देखिए यहाँ जीरो या बीस चालीस साठ अस्सी सौ जीरो और बीस के बीच में दस बीस चालीस के बीच में यहाँ तीस चालीस और साठ के बीच में यहाँ पचास तो यहाँ कितना आएगा पचास तो हम यहाँ लिखेंगे पचास इसी प्रकार से साठ और अस्सी के बीच में सत्तर तो यहाँ आएगा सत्तर अस्सी और सौ के बीच में नब्बे तो यहाँ आएगा नब्बे ठीक है विद्यार्थियों पचास सत्तर नब्बे अगला सवाल है तीसरा संख्या उनचास और तिहत्तर को संख्या रेखा पर लिखिए हमें उनचास और तिहत्तर को लिखना है देखिए जीरो पाँच दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस पैंतीस चालीस इस प्रकार से पिछहत्तर तक संख्या रेखा है अब हमें उनचास लिखना है उनचास कहाँ होगा देखिए पैंतालीस के बाद में छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास यह आएगा उनचास ठीक है विद्यार्थी उनचास कहाँ आएगा पैंतालीस और पचास पचास से कम उनचास अब हमें तिहत्तर बताना है सत्तर के बाद में इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर तिहत्तर तो यहां, तो यहां उनचास और यहां तिहत्तर चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगला जो सवाल है चौथा संख्या रेखा पर चिन्हित डिब्बे में संख्या लिखी है ये जो डिब्बे हैं इनमें हमें संख्या लिखनी है देखिए यहां कह है साठ इकसठ बासठ तिरसठ चौंसठ पैंसठ और यहां सड़सठ तो यहाँ आएगा छासठ सत्तर के बाद यहाँ इकहत्तर यहाँ बहत्तर तिहत्तर के बाद में यहाँ चौहत्तर और ये रहा पिचहत्तर सतहत्तर के बाद में अठहत्तर और यह उन्यासी तो यह छासठ इकहत्तर चौहत्तर और अठहत्तर इसी प्रकार से अगला है देखिए जीरो नौ अठारह सत्ताईस छत्तीस चौवन इस प्रकार से नौ नौ का ये सज्ञा रहेगा बना रखिए तो जीरो नौ अठारह सत्ताईस, छत्तीस तो यह कितना आएगा पैंतालीस चौवन तिरसठ बहत्तर तो यह कितना आएगा देखिए कितना आएगा इक्यासी या नब्बे निन्यानवे तो यह कितना आएगा देखिए कितना आएगा 108 सौ आठ ठीक है विद्यार्थियों और यहां कितना आएगा 117 तो इस प्रकार से यहां 45, इक्यासी 108, 117 चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं अगला जो सवाल है पांचवा संख्या रेखा बनाकर दी गई संख्याएं दर्शाएं ये जो संख्याएं हैं ये हमें संख्या रेखा पर दर्शानी है ये है उनहत्तर तो ये कहाँ आएगा देखिए साठ इकसठ बासठ तिरसठ चौंसठ पैंसठ छियासठ सतसठ अड़सठ उनहत्तर तो यहाँ आएगा उनहत्तर सत्तर इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर इस प्रकार से यहाँ आएगा उनहत्तर यहाँ आएगा अब ये चौरासी देखिए अस्सी के बाद में इक्यासी बयासी तिरासी चौरासी पिचासी छियासी सतासी अट्ठासी नवासी नब्बे इक्यानवे बारानवे तिरानवे चौरानवे एक एक का अंतर हैं तो यहाँ चौरासी कहाँ आएगा अस्सी के बाद में इक्यासी बयासी तिरासी चौरासी तो यहाँ आएगा चौरासी ठीक है विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्र दो कॉल किया आप इस कार्यपत्र को समझ कर कॉल कीजिए विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज बायसिल चार को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुँच पाएँ आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगा तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद जय हिंद जय भारत आपका दिन शुभ रहे थैंक यू